मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार सरकार राजस्थान में कभी नहीं मुकदमा दर्ज आए और 48 घंटे तक थाने पर बैठा रहे और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाएं, सारा सामान जब्त कर लें। ये राजस्थान पुलिस की गहलोत साहब के निर्देश में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, दमनपूर्ण कार्रवाई है। गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। अरे थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ ना, डॉक्टर साहब ऊपर चढ़ जाओ, बस के ऊपर चढ़ जाओ, बस के ऊपर चढ़ के दे दो डॉक्टर साहब पूरे राजस्थान। अरे बस के ऊपर चढ़ जाओ, बस के ऊपर। अरे आप सबको पता है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है। आईटी सेक्टर में 5,000 करोड़ घोटाले के प्रमाण मैंने दिए थे और कल मैंने पत्रकार वार्ता करके 66,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया था मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने। हम उन तीनों मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज कराने आए थे। दो फर्म तो ऐसी हैं साहबपुरा की, गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल, जिन्होंने भारत सरकार के उपक्रम IRTCON इंटरनेशनल लिमिटेड के लेटर पैड पर अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर्ज दे दिया। उन फर्मों का अनुभव पर्याप्त नहीं था, टर्नओवर पर्याप्त नहीं था, लेकिन सरकार के बड़े अधिकारियों मंत्रियों से मिलकर उन्होंने 900 करोड़ के काम ले लिए, काम पूरे भी कर दिए, वो 30% का वोट थे। फिर दूसरा मामला होता है कि राजस्थान सरकार 2012 में कानून लाई थी, RTPP 2012 का एक्ट, जिसमें पारदर्शिता रखी जाएगी ठेकों में। उस पारदर्शिता को भंग किया बिजली विभाग ने, बड़े अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, मंत्री जी ने, और उसको वायलेट किया, जिसके कारण राज्य के सारे ठेकेदारों ने, बड़े ठेकेदारों ने पूलिंग कर दी और उस पूलिंग के कारण राजस्थान में 20,000 करोड़ के ठेके 30 से 40% ऊपर पहुँच गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, हमने निरस्त कर दिया, लेकिन आपने ऑफेंस तो कमिट कर दिया। अगर ये उजागर नहीं होता तो आप हजारों करोड़ कमा लेते, तो आपने ऑफेंस किया है, आपने कानून को तोड़ा है, आपने भ्रष्टाचार के मार्ग को अपनाया है, उसका मुकदमा दर्ज कराया, उसका भी मुकदमा दर्ज किया। कल खानों का करीबन 66,000 करोड़ का धरने के दौरान ही मैंने फैक्ट मीडिया के सामने लिए थे, उसका भी मुकदमा दर्ज किया। और उल्टा हमको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होने चाहिए डॉक्टर साहब उनको गिरफ्तार करके मीडिया से बात करते। देखो हम आपने देख लिया, मैं मीडिया से बात कर रहा था, बात नहीं करने दी, गाड़ी चालू कर दी। ऐसे नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चल सकता, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चल सकता। हम बयान दे रहे हैं, हमको इंजीनियर जबरन पुलिस उठाकर ले जा रही है। हमारी FIR हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बर्बरता है, ये दमन है, ये निरंकुशता है, ये शासन की संवेदनहीनता है और ये विपक्ष को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है।